मैं आपको बताऊं कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले को डील कर रही है और एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जो कुछ इसमें जो घटना हुई है, इसके ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है। चूंकि अभी इसके पहले चुनाव हुआ है, चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, हिमाचल में भी, गुजरात में भी, और इसके पहले भी आप जा देखें कि एक तरीके से जो भाजपा विरोधी दल है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इनके नेता कोई भी साजिश करने के लिए तैयार है, चाहे वो जाति हिंसा भड़काना हो, चाहे धर्म के नाम पे बढ़ाना हो, और चाहे कुछ भी करना पड़े। इनको लगता है कि इस तरीके से करके ये जो शांति और सौहार्द को बिगाड़ के इनको लगता है अगर कोई पॉलिटिकल लाभ मिल जाएगा तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। साजिश किसने की सर? कांग्रेस ने साजिश करवाई है? निश्चित रूप से उसमें पुलिस ने बाकायदा दो लोगों के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कर लिया है, जिग्नेश मेवानी और दूसरे साहब जो भारत को तोड़ना चाहते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल जी को सामने आना चाहिए। राहुल जी ये बताएं कि जिस उमर खालिद के कैंपेन में वो गए थे, समर्थन में जेएनयू गए थे, वो आज कहां बैठे हुए हैं? वो गोवा में छुट्टी मना रहे हैं और उनके जो कारिंदे हैं यहाँ बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस अपनी जो निराशा है, अपनी हताशा चुनावी हार की, उसके लिए समाज को और देश को तोड़ने के लिए क्या क्या कर रही है, ये जनता भी देख रही है। ठीक, कांग्रेस ने स्टैंड किया है सर इस बारे में, सुचित विश्वास से हम जानेंगे, लेकिन सर चाहे करवा कोई भी रहा हो, साजिश किसी की भी हो, जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि इन चीजों को पहले ही ध्यान रखे। देखिए, सरकार निश्चित रूप से सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार उस पूरे जो एहतियातन जितने भी कदम है वो सब उठा रही है। आपने ये भी देखा है कि इसीलिए शायद इतनी बड़ी साजिश के बाद भी बहुत जान माल का बहुत नुकसान नहीं हुआ है और प्रयास यही किया जा रहा है इसको कैसे भी बातचीत करके समाप्त किया जाए। ठीक है, लेकिन जी कम से कम वो लोग जो राजनीति में हैं जी और जो देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर वो इस हद तक गिर जाएगी कि अपने अपने जो कारिंदों को भेज के ऐसा काम शुरू करेगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है।